हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल के रिक्रूटमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो उसका डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस की डिपार्टमेंट से यहाँ पे कॉन्स्टेबल पोस्ट जो कि निकला हुआ है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको जो कि आपको यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते। इसके साथ साथ इसका जो एप्लीकेशन के डेट जो है ऑनलाइन में आपको 19 नवंबर 2018 से शुरू होगा। तो इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इस जो कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन में आपको एप्लीकेशन करना होगा, और इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके साथ साथ कब एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम जो डेट है यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 to 5 जनवरी 2019, और एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा December 2018 में। और इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे देना होगा। जनरल ओबीसी वालों के लिए 400 रुपीज़, एससी एसटी वालों के लिए भी यहाँ पे 400 रुपीज़ आपको पे करना होगा। तो दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ऑनलाइन में 19 नवंबर 2018 में, और लास्ट डेट है इसका 8 दिसंबर 2018 तक आपका जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट जो है यहाँ पे कॉन्स्टेबल सिविल पुलिस, जिसका टोटल वैकेंसी है 31,360, एंड कॉन्स्टेबल इन रिजर्व टर्मिनल आर्मी, जिसका वैकेंसी है 18,288। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि वैकेंसी निकला हुआ है, टोटल है 49,568 पोस्ट है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि वैकेंसी है, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों को मैं बताऊँगा कि आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहाँ पर, आपको रिटन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे ये जॉब मिल जाएगा। यहाँ पे मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 to 22 ईयर्स अप्लाई कर सकते फॉर मेल कैंडिडेट, एंड 18 to 25 ईयर्स तक आप फीमेल कैंडिडेट जो लोग हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते। इसके साथ साथ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 12 पास होना चाहिए। हायर सेकेंडरी जो लोग पास हो गए वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते। इसके लिए कोई अलग से चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। आपको 400 रुपीज़ फॉर जनरल और ओबीसी वालों के लिए आपको देना पड़ेगा, एंड जो लोग एससी एसटी है उसके लिए आपको 400 रुपीज़ आपको सेम आपको जो कि एप्लीकेशन फ़ीस वो देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो कि पोस्ट का वैकेंसी नंबर जो है जनरल वालों के लिए 15,681, एंड एससी वालों के लिए 6,585, एसटी वालों के लिए 627, ओबीसी वालों के लिए 8,467, टोटल 31,360 फॉर कॉन्स्टेबल। एंड उसके बाद जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे जनरल वालों के लिए 9,104 फॉर जनरल, एंड एससी वालों के लिए 3,824, एसटी वालों के लिए 364, ओबीसी वालों के लिए 4,916, और टोटल होता है यहाँ पे 18,218। तो दोस्तों, इसके बाद जो कि फिजिकली एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, हाइट जो कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको चाहिए 168 सेमी, और फॉर जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए एंड मेल एसटी के लिए यहाँ पे 160 सेमी। उसके बाद यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको 152 सेमी फॉर जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए, एंड फीमेल जो एसटी वालों हैं उनके लिए 147। तो दोस्तों, यहाँ पे चेस्ट के जो कि आपको चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट मेल जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए 79 to 84 सेंटीमीटर, एंड मेल एसटी के लिए 77 to 82 सेंटीमीटर। रनिंग के लिए यहाँ पे आपको 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट फॉर मेल कैंडिडेट,
और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किमी इन 14 मिनट। तो दोस्तों इसका जो ऑफिशियली जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे 19 नवंबर 2018 में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक जो है एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में जो कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट निकला हुआ है उसका ऑल डिटेल। तो अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।